चलिए तो फिर अपन लोग ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं। अब अपन लोग ने जीएसटी के पूरे चैप्टर्स तो पढ़ ही लिए, लेट अस सी। ये सेक्शन में सिर्फ 28 मार्क्स का सॉल्व करना होता है जीएसटी वाले पार्ट में। यू नो दैट 12 मार्क्स का तो एमसीक्यूज में कवर्ड है। अब देखिए क्या लिखा है, जीनो एंटरप्राइजेस। ये फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क का कंपलसरी रहता है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में रहते हैं 3 क्वेश्चन, 6, 7, 8, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्क का कंपलसरी। कितने पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज इनका बड़ा रहता है। फिर ये आपका 10 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 6A 6B, मिला के 10 मार्क हो गया। फिर 7A 7B हो गया। यहां तक कि अगर कर लिया तो आपका पेपर खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने 7th छोड़ा, जैसे ये स्टूडेंट ने अपेरेंटली क्रॉस करके रखा है, मतलब 7th वाला नहीं किया, कौन सा किया, 8th वाला किया, तो फिर इसमें बहुत सारी थियोरी आपका इंतजार करती है ना, 5 मार्क। और उसमें भी ऑप्शन है, A1 2 दोनों करना है या तो ये वाला करना है, बहुत ध्यान से करना। 1 और 2 के बीच में ऑप्शन नहीं है, दिख रहा है क्लियरली। ये या तो फिर ये 5 मार्क का सेट करो या तो फिर ये कर लो। बी वाला तो कंपलसरी है, बी वाले में ऑप्शन नहीं है। बस इतना ही पेपर है जीएसटी का। सो देखते हैं, मतलब पहले 2 पेज पे 8 मार्क, उसके बाद के 3 पेज पे 30 मार्क, पेपर का जो साइज है उसके हिसाब से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या पूछा है पहले तो ये देख लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मिनिमम सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टैक्स पेबल इन कैश बाय जीनो एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये पूछा है आपको, और आपको रेट्स दिए अलग अलग, एयर कंडीशनर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एक्सेप्ट स्टेबिलाईजर्स 6%, 6%, 12%, सर्विसेज का दिया है 9, 9, 18। स्टेबिलाईजर का रेट अलग है और फ्रेट का रेट अलग है, तो हम लोग देखते हैं कहां कौन सा रेट अप्लाई होगा। मिनिमम नेट जीएसटी पूछा है, तो हमको इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी कितना मिलता है उसका भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। जीनो एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी आसाम एंड इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर एंड इट्स एसेसरीज एज वेल एज एयर कंडीशन रिपेयरिंग सर्विसेज। डिटेल्स ऑफ देयर वेरियस एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स टू कस्टमर्स इन आसाम। फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज्ड इन इनवॉइसेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर्स डोरस्टेप। बताइए, इनवॉइस में फ्रेट अलग से चार्ज होता है। एसी गुड्स मतलब एयर कंडीशनर है, यहां पर एयर कंडीशनर का रेट दिया था 6% और फ्रेट का रेट, फ्रेट का भी लकीली सेम ही रेट है, लेकिन अलग भी रहता था अगर तो भी उस पर प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगता था, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, तो ये पूरे 5 लाख, पूरे 5 लाख पे कौन सा रेट लगेगा, 6% प्लस 6%। देन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज वेर इन अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्जेस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और स्पेयर्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स इज ऑल्सो चार्ज्ड एंड कंसिडरेशन फॉर द सेम इज सेपरेटली मेंशन। अलग अलग मेंशन करते हैं, सर्विसेज का अलग और गुड्स का अलग, तो फिर अलग अलग लगेगा, अलग अलग बताया। कंसोलिडेटेड प्राइस रहता था तो फिर मिक्स सप्लाई, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। अब इसमें अब इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। अगर अपन ये मानते हैं कि भाई सर्विस ही मेन एलिमेंट है और गुड्स तो सिर्फ उसको सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट सप्लाई मान के सेम सर्विस का रेट पूरे पे लगाएंगे। लेकिन क्योंकि उन लोग ने बोला है कि इनवॉइस में अलग से चार्ज किया ही है, तो गुड्स पे सेपरेट रेट बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा व्हीकल रिपेयरिंग में भी होता है, तो सर्विसेज का रेट 9-9% है और एक्सेसरीज पार्ट्स का रेट कितना है, 6-6% है। तो आप इसमें रेट लगा दोगे बिल्कुल आउटवर्ड सप्लाई, 9% प्लस 9% एंड 6% प्लस 6%। यहां तक समझा, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज है यहां तक के। आगे, इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर सेल्स एंड टू क्लियर द स्टॉक ऑफ ओल्ड मॉडल्स ऑफ एयर कंडीशनर जीनो एंटरप्राइजेस मेड कॉम्बो ऑफर्स टू कस्टमर्स वेर इन इफ अ कस्टमर परचेसेस एन एयर कंडीशनर अलॉन्ग विथ अ स्टेबिलाईजर। अगर तुम एसी प्लस स्टेबिलाईजर खरीदते हो तो सेम इज ऑफर्ड एट अ कॉम्बो प्राइस ऑफ 20,000, सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस। ओके, अब सिंगल प्राइस है, क्या ये दोनों आइटम को अलग अलग सप्लाई किया जा सकता है, यस, लेकिन साथ में सप्लाई कर रहे हैं और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्लब्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, है ना, जस्ट टू एनहेंस द सेल टू क्लियर द ओल्ड मॉडल उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए
ये इसको कौन सा सप्लाई मानेंगे? मिक्स सप्लाई, उसका नोट लिखना पड़ेगा। कौन सा रेट लगना चाहिए? हायर वाला रेट। तो एसी पे रेट 6% है, स्टेबिलाइजर पे 9+9 है। ये जो अपन ने डब्बे में देखा था 6 है और 9 है, तो पूरे कॉम्बो पे कौन सा रेट लग जाएगा? अच्छा, ओरिजिनल प्राइस 30,000 था, एसी 22,000 का, स्टेबिलाईजर 8,000 का है। अलग अलग भी इफ परचेज सेपरेटली, मतलब सेपरेटली तो पॉसिबल है। तो बताइए अब 30,000 पे कितना रेट लगेगा? 30,000 पे कुछ भी नहीं लगेगा। 20,000 पे कितना रेट लगेगा? 9% + 9%। इंटरस्टेट है क्या कि इंटरस्टेट है? कहां लिखा है? लास्ट में लिखा है, ड्यूरिंग October 22 जीरो एंटरप्राइजेस एंड मेड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 10 नंबर्स। तो इसमें लगेगा टोटल IGST ऑफ 18%। ऊपर के दोनों आइटम इंट्रास्टेट थे, ऊपर के दोनों। तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान जाना चाहिए, है ना। अगर अपन ने इंट्रास्टेट मान के लगा दिया 9+9 गए मार्क्स, रेट अगर अपन ने एसी का ले लिया ये बोल के कि एसी प्रिंसिपल सप्लाई है तो भी गए मार्क्स। यहां तक समझा क्या? नॉर्मल आपकी लाइबिलिटी निकल रही है, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। और फिर आपको इन्वर्ट सप्लाई का एक डिटेल दिया है, परचेज बिजनेस क्लास एयर टिकट फॉर इंट्रास्टेट ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़, आसाम टू आसाम में कौन से क्लास का एग्जेम्पशन था? इकोनॉमी क्लास का था, तो बिजनेस क्लास का नहीं है। फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द कंसर्न, बेसिक एयर फेयर वॉज 40,000 एंड एयरलाइन चार्जेस GST at 2.5% CGST SGST each on basic freight in case the same is applicable. Is it applicable here? Yes. तो हमको GST लग रहा है ना? Yes, 2.5% plus 2.5%, ठीक है, इतना लगना है। कितने रुपए पे? 40,000 पे। ये तो बहुत क्लियरली बना के दिया है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ये देख लो कि exemption मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। So exemption is not available. Had it been economy class, though exemption would have been available. Additional information. The inward supply, ये वाला, ये ITC के काम में आएगा. All the figure mentioned are exclusive of taxes. Thank you. In respect of few of the invoices relating to financial year 21-22, अपना कौन सा ये month दिया है? October 22 दिया है. Financial year 21-22 जो पिछला financial year था, उसके कुछ इन्वॉइसेस थे जिसका हमने सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का क्रेडिट पहले नहीं लिया था, एंड जीनो एंटरप्राइजेस नाउ वांट टू अवेल द क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन्वॉइसेस इन द करंट मंथ, इज इट पॉसिबल? यस। लास्ट डेट क्या थी? 30th of November। इट इज बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। इसके पहले तक 30 सितंबर होती थी, तो पहले के स्टूडेंट्स अगर अमेंडमेंट नहीं पढ़े तो उनको लगेगा कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मे एग्जाम के लिए भी अमेंडमेंट लागू था। तो 30th of November वॉज द लास्ट डेट, तो देयरफॉर दे कैन टेक द क्रेडिट फॉर द इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, है ना। ये तीनों क्रेडिट वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड एक नोट लिख देंगे कि उन्होंने एनुअल रिटर्न के बारे में कुछ लिखा नहीं ना, उन्होंने एनुअल रिटर्न अभी तक के फाइल नहीं किया है। वैसे टर्नओवर भी नहीं दिया है पिछले साल का, है ना, टर्नओवर नहीं दिया ना पिछले साल का, तो हम लोग एक नोट लिख देंगे अज्यूमिंग दैट द एनुअल रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड। प्लेन क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें तो, मैं आपको सिर्फ इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देता हूं, मतलब फाइनली जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या क्या आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए अपना वो जो कंप्यूटेशन होता है, पहले हम लोग आउटवर्ड सप्लाईज लिखते और फिर उसका टैक्स आ जाता है और फिर आईटीसी अवेलेबल उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द पेपर, आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। अपन सीधा, मैं सीधा आपको बना के दे रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी एंड उसको कैसे कैसे डिस्चार्ज किया, नोट आएगा हर चीज के बारे में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे तो, आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बताइए सबसे पहले Liability on outward supplies, तीन टाइप के सप्लाईज थे अपने, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एसी अलॉन्ग विथ फ्रेट,
ओके, इसके बारे में नोट लिखना होगा कि रेट अलग अलग भी रहता था तो पूरे वैल्यू पे सेम रेट लगता था। कैलकुलेशन पे अपना मेन फोकस है अभी, नोट्स वगैरह में यहां नहीं लिख के दे रहा हूं आपको। कितना हो जाएगा, 5 लाख पे 9%, 5 लाख था ना, 4+1 ये प्लस 5 लाख पे 9%, 45,000 एंड 45,000। तो हमने जैसे क्वेश्चन उसमें किए ना पेमेंट वाले चैप्टर में, वैसे ही ये क्वेश्चन है। क्या 6% था क्या? सॉरी सॉरी, अपने लिखा भी यहां पर 6 और लगा दिया 9, तो ये कितना हो जाएगा 6%। 5 लाख पे 6% एंड 5 लाख पे 6%, क्योंकि एसी पे रेट 6% है। कितना होता है 30,000। फिर और क्या क्या चीजें हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई जो दूसरा वाला है ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज है ना एंड पार्ट्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज एंड दूसरा है पार्ट्स। रिपेयरिंग सर्विसेज पे रेट 9% है 3 लाख का, 3 लाख का 9% प्लस 3 लाख का 9%, 27,000। एंड ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन है तो आपको कुछ चैप्टर्स का नॉलेज यहां पर कंबाइंड लग जाता है। एंड जो पार्ट्स है उसका वैल्यू है 50,000। इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर भी था कि अगर सेपरेट इनवॉइस बना लेते हैं तो फिर सेपरेट सेपरेट रेट लगता है, आपके चैप्टर नंबर बी में था शायद सर्कुलर। पार्ट्स में 6% है, बोलो कितना होता है 3,000, 3,000, 3,000। इतना हो गया हमारा अभी तक के आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स। तीसरा इंटर स्टेट, तीसरा वाला कौन सा है, इंटर स्टेट मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स सप्लाई ऑफ ओल्ड एसीज अलोंग विद स्टेबिलाईजर्स, जिसमें आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी नहीं लगेगा। कितना लगेगा आईजीएसटी, कितने पे लगेगा बताइए, 20,000 इंटू 10, ऐसे 10 नंबर सप्लाई किया है मतलब 2 लाख, 2 लाख पे सीधा 18%, 2 लाख पे 18%, 36,000। तो दिस मच इज आर आईजीएसटी लाइबिलिटी। तो इससे हमको मिल गया कि हमारी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी कितनी है ना, टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 36,000 60। आप लोगों ने देख लिया रिवर्स चार्ज का तो कोई आइटम नहीं है एंड 60। बस अब इसमें से अपन बताएंगे कि पेड यूजिंग आईटीसी कितना है। अब आईटीसी वैसे तो उसका एक अलग से अपन स्टेटमेंट बना के लाते हैं, लेकिन अभी दो ही आइटम है तो मैं यहां पर आपको शॉर्ट में ही यहीं पे बता दे रहा हूं। आईजीएसटी का 80,000 है, सीजीएसटी का, देखो आईटीसी में लिख रहा हूं, आईजीएसटी का कितना है 80,000, सीजीएसटी का कितना रहेगा 20+40,000 का 2.5% कितना होता है 1,000, तो 21,000 है। एंड एसजीएसटी का आईटीसी कितना है, सेम 20+1,000, 21,000। बस आईटीसी इतना ही मिलेगा राइट। तो पहले आप 80,000 को पहले यूज करना पड़ेगा है ना फॉर पेइंग आईजीएसटी लाइबिलिटी। तो पेड यूजिंग आईजीएसटी आईटीसी 36,000, 80 में से 36,000 तो इधर यूज हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब बचा कितना, ये 44,000 बचा। अब अगर मैं पूरा 44,000 इधर यूज कर लूंगा अगर, तो इधर 60, इधर सॉरी इधर 16,000 नेट कैश लाइबिलिटी आ जाएगी, सॉरी 16,000 बचेगा जिसमें से मैं क्रेडिट यूज कर सकता हूं, बट इसका क्रेडिट खुद का है 21,000 का है, तो वो क्रेडिट बेचारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5,000। और इधर मैं 21,000 एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लूंगा लेकिन इधर ज्यादा लाइबिलिटी आ जाएगी। तो आइडियली हमने कैसा प्रोपोर्शन बैठाना चाहिए, या तो हाफ हाफ या तो ऐसा कि भाई दोनों के क्रेडिट जितने खुद के क्रेडिट से उसके बराबर लाइबिलिटी एटलीस्ट बच जाए। तो हम लोग हाफ हाफ भी कर सकते हैं या और कोई प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं,
सो दैट मिनिमम 21,000 लाइबिलिटी दोनों तरफ बच जाए। तो वैसे तो अपने पास सिर्फ 54,000 है, 80 माइनस 36 44,000 है। तो अपन दोनों जगह अगर 22,000 कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इधर भी 38 बचेगा उधर भी 38 बचेगा, उसमें से 21,000 हम लोग क्रेडिट यूज कर लेंगे। सो आईजीएसटी कैन बी यूज्ड इन एनी मैनर इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन फॉर पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लाइबिलिटी। एंड यहां पर वो जो 6 नोट्स आपको बताया था वो काम में आएगी, कि फर्स्ट वी हैव टू यूटिलाइज आईजीएसटी क्रेडिट, देन इट इज टू बी यूज्ड फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी, देन अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी, देन वी यूटिलाइज सीजीएसटी फॉर पेइंग सीजीएसटी लाइबिलिटी 21,000। सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेइंग एसजीएसटी लाइबिलिटी। सिमिलरली वंस सीजीएसटी क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड वी कैन यूज एसजीएसटी क्रेडिट बट ओनली फॉर आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी तो खत्म हो गया है, समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं? तो ये हो जाता है टोटल, तो इतना हमारा आ जाता है नेट कैश लाइबिलिटी, नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड बाय कैश नील 17,000। देखो टोटल बेसिस पे आपका अब टोटल क्रेडिट पूरा यूज हो गया, आपको नेट मिनिमम चाहिए था और इतनी लाइबिलिटी तो आएगी ही। हाँ बस ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बैठाया कि ये थोड़ा सा कम हो जाए, यहां पर थोड़ा कम हो गया और यहां ये समझो ये 10,000 हो गया और ये 27,000 हो गया, है ना, सॉरी ये 24,000 हो गया। टोटल कितना आएगा? टोटल तो 34 आएगा ही, टोटल तो 34 आना ही, क्योंकि आपका टोटल लाइबिलिटी टोटल क्रेडिट से 34,000 एक्स्ट्रा है। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट दैट हैज टू बी पेड बाय कैश। अब इसमें ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है ना, लाइक इट यू कैन यूटिलाइज आईजीएसटी क्रेडिट अप टू 39,000 इंस्टेड ऑफ पूरा 44, क्यों? ताकि ये 21 बच जाए तो ये नील हो जाएगा। अब इधर 39 यूज कर लिया तो उधर कितना बचा? 5 बचा ना, तो इधर आपका लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा कर सकते हैं, उधर लाइबिलिटी बढ़ेगी लेकिन इधर कम हो गई। प्रॉब्लम कब आएगा? जब आपने इधर पूरा आईजीएसटी यूज कर डाला, जो पुराना सिस्टम था कि फर्स्ट आईजीएसटी टू बी यूज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी देन एसजीएसटी, वो प्रॉब्लमेटिक केस था, उसमें आपका सीजीएसटी का क्रेडिट बच जाएगा और एसजीएसटी की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सो वैसा हम नहीं करेंगे। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मिनिमम सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सो अपना आंसर आया 17,000। दैट्स इट, ठीक है, नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर लिखा हुआ है। बोलो समझा आपको क्वेश्चन नंबर 5? इजी था, नोट्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 6 मार्क का क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर जयेश। ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई और एग्रीगेट टर्नओवर 42 लाख था पिछले साल का, चलिए बताइए। इसमें हो सकता है इनके आउटवर्ड सप्लाईज भी है जिसपे इनको टैक्स लगेगा और इनके इनवर्ड सप्लाई भी जिसपे रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा। लेट अस सी, मिस्टर जयेश रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहला, कमीशन रिसीव्ड एज अ रिकवरी एजेंट फ्रॉम एनबीएफसी, ये रिवर्स चार्ज, तो इसको हम लोग मिस्टर जयेश के ग्रॉस वैल्यू में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, इस पे टैक्स कौन पे करेगा? जो एनबीएफसी है वो पे करेगी। सो ये इनके सप्लाई इनके जीएसटीआर 1 का पार्ट है बट इस पे उनको टैक्स पेबल नहीं है, सो इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। ये इनके आउटवर्ड सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। एक्शनेबल क्लेम रिसीव फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस डेटर्स, एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3 एक्सेप्ट फॉर लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जिसको गुड्स का सप्लाई मानते हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन 1 प्रोग्राम 1.5 लाख से ज्यादा है, इसलिए ये टैक्सेबल है, ये इंक्लूड करेंगे। इसमें कौन सा चार्ज लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल। नेक्स्ट, बिजनेस एसेट्स ओल्ड कंप्यूटर्स गिवन टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स वॉज 51,000। इतना पढ़े तो लगता है कि जीएसटी लगेगा, लेकिन नीचे क्या लिखा है? नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच कंप्यूटर्स।
तो फिर इसको सप्लाई नहीं मानते, इसको शेड्यूल वन के हिसाब से सप्लाई नहीं मानते, क्योंकि शेड्यूल वन में था फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन आईटीसी अवेल्ड गुड्स को फ्री में सप्लाई किया तो सप्लाई मानते थे, इसको ये शेड्यूल वन में कवर नहीं हुआ बेसिकली, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का नहीं है, वो तो सिंपली दो चार वैल्यू जो आई उसको प्लस करना है, क्वेश्चन है आपको एक एक प्रोविजन को अप्लाई करने का। एंड अभी देखो कौन से चैप्टर अप्लाई हो गए, चैप्टर बी अप्लाई हो गया, मतलब चैप्टर बी सप्लाई, चैप्टर सी लिवियन कलेक्शन, चैप्टर डी एग्जेम्पशन, एक साथ सब अप्लाई हो रहा है यहां पर। देन कंसिडरेशन रिसीव फॉर वन मंथ रेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, मतलब आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है रेसिडेंस, और तो ये सर्विस अब एग्जेम्प्ट तो नहीं है एनीमोर, बट इट इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज है क्या, रिवर्स चार्ज, इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, समझ रहे क्या, इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। किधर था ये पॉइंट, चैप्टर नंबर डी में तो था, सी में रिवर्स चार्ज के बारे में आया था, सी में रिवर्स चार्ज के बारे में आया था ये वाला पॉइंट। ये देखो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो अपन उसको सर्विस दे रहे तो वो कौन से चार्ज में कवर्ड है, रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, समझ रहे क्या। तो इसमें अपने वैल्यू में अपने को इंक्लूड नहीं करना है, अपने को तो कंसिडरेशन मिली है, वी आर द सप्लायर, तो ये पूरे पांचों आइटम में से कौन सा इंक्लूड होगा, सिर्फ ये वाला आइटम अभी तक के। आगे डिटेल ऑफ इनपुट सर्विस, इसमें भी सोचना है कि रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर रिवर्स चार्ज लगेगा तो अपने ऊपर लाइबिलिटी आएगी, तो अपने को उसको इंक्लूड करना है। पेड टू एन अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर वेरियस कंसाइनमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, 15,100 रुपए दिया था, जीटीए अनरजिस्टर्ड है, अपन ने उसको पेमेंट किया और अपन रजिस्टर्ड है और इंडिविजुअल सप्लायर का कंसाइनमेंट का वैल्यू 1,450 रुपए से कम है, अमेंडमेंट हो चुका है ना, पहले एग्जेम्पशन भले ही था थ्रेशोल्ड के अंदर में, लेकिन अब सिर्फ डॉन फार गुड्स जो थे अपने एक्रोनिम वाले उसमें एग्जेम्पशन है, लेकिन अदरवाइज अगर जीटीए की सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव किया, और खासकर जीटीए अनरजिस्टर्ड है, मतलब जीटीए इज नॉट ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर कौन सा चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज। सो यस दिस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। अभी तक रिवर्स चार्ज बोल के मैं क्रॉस कर रहा था, क्योंकि वो हमारा आउटवर्ड सप्लाई था जिसमें हमारा रेसिपिएंट टैक्स भरेगा, ये वाला रिवर्स चार्ज बोल के मैंने टिक किया, क्योंकि इसको हम लोग काउंटिंग में लेंगे, इसमें हम लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपने देखा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना, रट्टा मारने से कोई बेनिफिट नहीं। हो गया क्या क्वेश्चन, हो गया। ऑल द अमाउंट स्टेटेड आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एग्रीगेट टर्नओवर इतना है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 174,500 प्लस 15,100, 189,600, दैट्स द आंसर। इतना अपने को टैक्स देना है, उसमें भी ये वाला टैक्स अपने को कैश में देना पड़ेगा ई कैश लेजर से, और भले ये वाले टैक्स लिए अपन क्रेडिट रहा तो यूज कर सकते, इस क्रेडिट तो है नहीं। मुझे तो इजी लगा है ना, 6 मार्क का क्वेश्चन, अभी तक के 28 में से 14 मार्क्स तो अपने हो गए, 8 + 6। ये और देखते हैं, इन ईच ऑफ द अबव सिनेरियो एक्सप्लेन वेदर सुरक्षा हॉस्पिटल शुड लेवी जीएसटी और नॉट इन लाइन विद द रिलेवेंट प्रोविजन, अगेन बेस्ड ऑन अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अमेंडमेंट था, वो इकोनॉमिक क्लास वगैरह का 30 नवंबर वाला, इसमें भी अमेंडमेंट था, कौन सा, ये ट्रांसपोर्ट वाला, ये अमेंडमेंट था, अब वापस अमेंडमेंट आ गया, हैविली बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, इसलिए मैंने एनालिसिस में लिखा था तब। बताइए, मिस्टर श्यामदास वॉज एडमिटेड टू सुरक्षा हॉस्पिटल फॉर 2 डेज रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम हिज किडनी, फॉर द सेट सर्विसेज सुरक्षा हॉस्पिटल चार्ज्ड फॉलोइंग फ्रॉम मिस्टर दास। अब नॉर्मली हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है, बट आपको याद है ना, क्या याद है, अगर रूम रेंट आईसीयू एनआईसीयू आईसीसीयू वगैरह के अलावा अगर है तो 5,000 के ऊपर है तो इट विल बी टैक्सेबल। तो रूम रेंट 7,000 पर डे है फॉर 2 डेज, तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन 14,000, है ना, इट इज टैक्सेबल। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस ये एग्जेम्प्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ केयर पैकेज,
है ना, डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस एग्जेम, अदर सर्विसेज एग्जेम, पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर पैकेज, बस सिंपल। कितने मार्क्स मिल गए आपको? 4 मार्क, है ना। और अगर यही अपने को प्रोविजन क्लियर नहीं है, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं जब आईसीएआई के रिविजन बैच में गया था तो बच्चे अमेंडमेंट से अपडेटेड ही नहीं थे, विद दे शुड हैव बीन डन, दे शुड हैव डन इट, तो कितनी दिक्कत गई होगी सोचिए, अगर अपन बिना अमेंडमेंट पढ़े जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको जो मंडे को और अमेंडमेंट्स करवाऊंगा, कौन से वाले, अभी नवंबर के लिए जो है, तो अच्छे से कर लेना है, उतने ज्यादा नहीं है इस बार, पिछले बार बहुत ज्यादा थे, तो इस बार तो फिर भी अपने को कर लेना है। आपने देखा अभी तक के पूरे क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं इस पे बेस्ड है, 18 मार्क्स हो गया। बोलो यहां तक के क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 49(8), पहले कौन सा लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगा? हाँ, अपन ने उसका भी एक फ्लो चार्ट देखा था पेमेंट वाले चैप्टर में 2-3 दिन पहले ही, याद है क्या? पहले प्रीवियस टैक्स ड्यूज जो कि अपन ने खुद असेस किया है, एंड अदर, फिर उसके बाद में करंट पीरियड, फिर उसके बाद में ये लाइबिलिटी 73-74 वाले। तो बताइए इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? 5 मार्क का क्वेश्चन, अगेन 5 मार्क, लेंथी क्या है पेपर, बताइए बताइए किसको मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी? ये 1, ये 2 और ये 3। मई वाले मंथ का पहले क्लियर होगा सब कुछ, ओके, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, और फिर टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जून 4th, और ये 5th। दिस इज द प्रायोरिटी, है ना, दिस इज द प्रायोरिटी। मिला क्या आपको किताब में वो पॉइंट, इंटरेस्ट वाला, ये सॉरी ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, पेज नंबर IA.11 पे, सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, यहां पर मई मंथ का था, पहले टैक्स फिर अदर ड्यूज, उसमें भी इंटरेस्ट फिर पेनल्टी, फिर दूसरा सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। करंट टैक्स पीरियड क्या था? अपन ये मानेंगे कि करंट टैक्स पीरियड जून चल रहा है ना, क्योंकि जून तक का ड्यू हो गया है। और फिर क्या लिखा है, तीसरा आइटम क्या लिखा है, कि एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर द एक्ट और द रूल्स इंक्लूडिंग द डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, एक इसमें एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हम एनी अदर अमाउंट में इंटरेस्ट और ये जो लेट फी वगैरह उसको इंक्लूड करें, ये जो दो आइटम थे ना, सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज, मैंने अदर ड्यूज में ही किसको पकड़ लिया, इंटरेस्ट और पेनल्टी को। लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि ये दोनों आइटम, चलो मैं जो पहले लिखा था वो लिख देता हूं, दूसरा आईसीआई का सजेस्टेड आंसर आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा अपने को, इसको फर्स्ट दो, इसको सेकंड दो, टैक्स टैक्स, फिर इनको प्रायोरिटी दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा। बट आई वुड हैव गॉन विद दिस वन, सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज, अदर ड्यूज में आ जाता है मेरे हिसाब से इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड, फिर एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट और रूल्स विच इज इंक्लूडिंग द डिमांड अंडर सेक्शन 73 और 74। तो उसमें आई डोंट थिंक इंटरेस्ट आता है जो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे डिटरमाइन हो चुका है, तो वो हम लोगों को पहले ही करना पड़ता है। तो ये जो मैंने बाद में लिखा है, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, बट वी विल हैव टू वेट एंड सी आईसीएआई सजेस्टेड आंसर, तब तक के वी विल गो विद दिस वन, दिस इज करेक्ट। सो मिस्टर मानिक कैन नॉट क्लियर हिज डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 73 फर्स्ट, है ना, ही हैज टू फर्स्ट क्लियर द ड्यूज विच हैज सेल्फ डिटरमाइंड, इतना सिंपल है। देन 3 और 2 मार्क के क्वेश्चन थे, QRMP से संबंधित 3 मार्क का पूछ लिया। देखिए क्या है, मिस्टर सुमित इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, इन द मंथ ऑफ मे ही डिसाइड्स टू अप्लाई फॉर QRMP स्कीम। हाँ, अब बताइए मई महीने में अगर वो आएगा, आना चाहता है, तो कब से लागू होगा? अगले क्वार्टर से, क्योंकि मई मंथ इज द सेकेंड मंथ ऑफ दैट क्वार्टर, अप्रैल से जून क्वार्टर का सेकेंड मंथ है, तो इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेंबर क्वार्टर। ही वॉन्ट्स टू स्विच टू द QRMP स्कीम, ही हैड नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून। बताइए ठीक किया क्या उसने? नहीं, ही हैज टू फाइल द रिटर्न फॉर मई एंड जून, बिकॉज तब तक के वो ओल्ड स्कीम में है ना, अप्रैल का भी मंथली रिटर्न ही फाइल करना है, मई एंड जून का भी मंथली रिटर्न ही फाइल करना है। आगे प्लीज गाइड, कितना आपका रिस्पेक्ट करते हैं, प्लीज गाइड टू मिस्टर सुमित, ये लैंग्वेज थोड़ा सा
वी डोंट गाइड टू समबडी, वी गाइड समबडी। लेकिन ठीक है, बीसीआर वो लोग ने भी नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, है ना। रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है बताइए। हाँ, कि मतलब पहली बात तो कब से लागू होगा ये, दूसरी बात किसके लिए एलिजिबल है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है इसमें। इसमें आपको ये पहले 2 महीने का तो नॉर्मल रिटर्न फाइल करना ही होगा, फिर यहां पर क्यूआरएमपी में आएंगे, फिर हम मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन में उसको सिर्फ एक उसका ऑप्शन को ऑनलाइन जाकर के जीएसटी कॉमन पोर्टल पे अपना अपडेट करना है ना, कि मैं इसमें आना चाहता हूं, एंड वंस एक्सरसाइज इट विल बी वैलिड, है ना। तो जितनी चीजें उससे रिलेटेड है हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था उतनी हम लोग ने अपडेट कर देना है बेस्ड ऑन थियरी। देन व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर देयर इज नो नीड टू इशू ईवे बिल, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव सिनेरियो। ईवे बिल डिलीवरी चालान तो इनवॉइस के बदले में इशू किया जाता है, लेकिन जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है तब ईवे बिल इशू करने की जरूरत है या नहीं है, तो जरूरत है। देर इज अ नीड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनफैक्ट अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो भी ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है, इंटरस्टेट सप्लाई है तो। याद है क्या नॉर्मली वैल्यू क्या बोला है उन्होंने, 50,000 से ज्यादा, लेकिन ये वाले केस में कितना बोला है, ये एक एक्सेप्शन था बेटा, आपका जो वैल्यू वाला केस था ना उसका एक्सेप्शन था। देखो वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ओके, इवन इफ द वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 50,000 ईवे बिल शैल बी जनरेटेड, एंड ईवे बिल में भले इनवॉइस का डेटा अपलोड नहीं करेगा, कौन सा डेटा अपलोड करेगा, डिलीवरी चालान का। सो यस, ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अंडर जीएसटी लॉ, स्ट्रेट क्वेश्चन। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ दोस 5-7 प्रोडक्ट्स, आपके वाले आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम की बात कर रहा था, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टबैको, टबैको प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन ब्रिक्स वगैरह जो थी, ठीक है। उसके अलावा पर्सन हु वॉन्ट्स टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई, है ना, पर्सन हु इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एक्सीडिंग द अलाउड लिमिट, और पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वहां पर जो लिस्ट थी थियोरी में से देख के लिखना है आपको। एंड ये लिस्ट आपको याद है, मैंने रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस भी लिखा हुआ है एक ही पेज पे, वहां से आए 5 मार्क का है, तो इट विल बी आइदर 3+2 या उनका जो भी इंटरनल ब्रेकअप रहेगा, आइडियली इट शुड बी 3+2। जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 21A ऑफ द जीएसटी लॉज, डिस्कस द वैलिडिटी। क्या लिखा है, जीटीए सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेगा क्या, हाँ हाँ, सर्टेन केसेस में सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी टैक्सेबल रहेगा। FCSBF, अपन लोग ने एक एक्रोनिम बनाया था, है ना, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, इनमें से कोई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको सर्विस दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा। जीटीए का तो प्रॉपर चार्ट देखे थे, देखो 2 बार पूछते हैं जीटीए पे क्वेश्चन, एक बार पहले भी था कोई तो भी क्वेश्चन में था ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव वाले में, सीरियल नंबर चैप्टर नंबर डी का अपना था ना, ये देखो इसमें जीटीए का जो चार्ट है, ये वाला जो टूरिस्ट वाला है, इसपे एमसीक्यू में पूछा है, इसपे एमसीक्यू में पूछा है उन लोगों ने। ये जीटीए सर्विस अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो इनमें से कोई अगर है तो इट विल बी टैक्सेबल एंड इट विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फिर और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इट इज फॉल्स अगेन। तो बेसिकली उन्होंने एंट्री नंबर 21 ए बोला, बोले अब उसके एक्सेप्शंस बताओ, हमने तो जनरल स्टेटमेंट बोल दिया। लिस्ट एनी 5 एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3 डायरेक्टली वी शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू, आर नॉट रिक्वायर्ड। बोलो, फ्यूनरल रिलेटेड सर्विसेज, फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, एक एक करके इज्जतदारी से, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज बाय कोर्ट,
ठीक है, कोर्ट जो फीस चार्ज करता है, सेल ऑफ लैंड, उसके आगे लिखो सब्जेक्ट टू पैराग्राफ, सर्टेन पैराग्राफ ऑफ द शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, और एमपीज एमएलएस वाला एक पॉइंट था, है ना, और कौन सा रह गया, हाँ वो पोस्ट होल्डर वाला था, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गेम, कौन सा बोल रहे हो, कोल्ड वाला कौन सा, कोर्ट कोर्ट, हाँ इसने बता दिया, कोर्ट को जो हम लोग फीस देते हैं, और एक था कि हो गया फ्यूनरल, पहले हो गया, सबसे पहले फ्यूनरल, उसके बाद में बाकी पॉइंट्स, मरने के बाद जीएसटी नहीं लगाते ना, और एक पॉइंट वो था वो थर्ड पॉइंट के अंदर में कि चेयरपर्सन मेंबर ऑफ अ बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की बॉडी। चलिए लास्ट रूल नंबर 86A प्रोवाइड्स दैट एन दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बिलीफ मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, स्टेट द ग्राउंड्स एज गाइडेड बाय सीबीआईसी ऑन विच द रीजंस फॉर द बिलीफ मस्ट बी बेस्ड ऑन। हम लोग ने इसका भी एक एक्रोनिम बनाए थे, SIPRD, रिसेंट में पढ़े थे कि जो कमिश्नर है वो डिसअलाउ कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज, यू मे नॉट यूज द क्रेडिट। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सप्लायर, अगर नॉन एग्जिस्टेंट है या अगर वो प्लेस से बिजनेस नहीं करता है, आई स्टैंड्स फॉर इनवॉइस इशूड विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पी स्टैंड्स फॉर नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं हो रहा है उसका, आर स्टैंड्स फॉर रेसिपियंट अगर नॉन एग्जिस्टेंट है या रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एंड डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट, एबसेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर टेकिंग क्रेडिट। याद है तो 5 मार्क पूरे हैं, है ना, अगर अच्छे से नहीं भी लिख पाए तो 4 मार्क तो मिल जाएंगे, है ना, कीवर्ड्स भी याद रहे तो 3 या 4 मार्क का तो बना लोगे। बोलो फिर भी आपको ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा छोड़ दो या तो 6 या 7, 3 में से कोई एक छोड़ सकते हैं पूरा, हाँ ऐसा नहीं कि मेरे को 7 का A करना है और 8 का B करना है, ऐसा नहीं चलता है। बोलो इजी लगा कि नहीं लगा, हाँ अभी हाथों हाथ अपन इसके MCQs भी कर डालते हैं, वैसे मैंने उसका वीडियो अपलोड करके रखा है और आप लोग बिजी लोग हो, ये GST का है, GST वाले MCQs कर लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आंसर यहां मार्क करके रखा है, देख लो इस बार आ गया पेपर हाथ में तो कर लेते हैं। देखो 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, 1-1 मार्क वाले पहले उड़ा दो, क्वेश्चन नंबर 15 से बताओ, एवरी डिसीजन ऑफ GST काउंसिल शैल बी टेकन बाय, ये याद है क्या, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन सर्विस के लिए डुप्लीकेट, गुड्स के लिए ट्रिप्लीकेट, इनवॉइस में तो जरूरत नहीं है, ट्रिप्लीकेट फॉर एक ट्रांसपोर्टर के लिए रहता है ना। देन ये वाला भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इसमें वो 23,600 की गुड्स खरीद रहा है, ओके 20,000 प्लस GST, ठीक है, दिस कैपिटल गुड्स आर एलिजिबल फॉर ITC, मिस्टर मोहन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इज एंटाइटल्ड फॉर डेप्रिसिएशन। अब उनके अकाउंटेंट 4 में से एंट्री सोच रहे कैसे करना, अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो सोच रहे बेचारे, पहला बताओ, ही कैपिटलाइजेस द गुड्स एट 20,000 एंड क्लेम्स डेप्रिसिएशन ऑन द सेम, फॉर GST अमाउंट ही कैन क्लेम ITC ऑफ 3600, अलाउड है, हाँ मेरी तो ऑलरेडी मार्किंग है वहां पर, अलाउड है ना, ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते, चौथा वाला पढ़ो, ये कर सकते पूरा कैपिटलाइज कर दो और फिर क्रेडिट मत लो, पूरा कैपिटलाइज कर दो क्रेडिट मत लो, ये भी अलाउड है, लेकिन ये दोनों अलाउड नहीं है कि भाई कैपिटलाइज 20,000 का कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ले रहे हैं और GST क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, GST क्रेडिट ही कुड हैव टेकन, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट, है ना, ही इज मिसिंग आउट ऑन क्रेडिट, मना नहीं करेंगे GST वाले, लेकिन ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। आप फिर ये तो और भी गलत है, 23,600 पे कैपिटलाइज किया और कुछ तो भी करके 2,952 निकाल लिया, 3,600 का 82%, कुछ तो भी उतना क्रेडिट ऐसा नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इज 1 और 4। ये वाला बताओ, ईवे जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कब करते हैं, कब नहीं करते हैं ब्लॉक, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ तो ब्लॉक करते हैं, GSTR 1 2 महीने के लिए अगर फर्निश नहीं किया तो ब्लॉक करते हैं, है ना, वेन ही हैज फेल्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर 1 टैक्स पीरियड, तो 2 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फर्निश नहीं किया तो ब्लॉक होता है ईवे बिल, टैक्स पीरियड विल बी क्वार्टर और मंथ डिपेंडिंग ऑन द पर्सन।
तो ये तो ऑप्शन से ही समझ में आता है बेटा, ऑप्शन देखो ना, सी और डी में से एक आंसर रहेगा। ये रिटर्न फॉर टू लिखा था, रिटर्न फॉर वन लिखा था, है ना, तो इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। तो थियरी पढ़ा रहे तो अच्छा रहता है। अब ये वाला क्वेश्चन इजी इजी एग्जाम थी आपके दोस्तों की। मिस्टर अजय आर रजिस्टर्ड डीलर ऑफ कर्नाटका, व्हाट वी शुड डू इज, चाहते क्या है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अप टू विच मिस्टर अजय कैन रिटेन कंपोजिशन स्कीम। सर्विसेज का कितना सप्लाई किया तब तक रिटेन कर सकता है, 10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। बताइए पिछले साल का टर्नओवर कितना था, 110 लाख था, इस साल भले 130 लाख जा रहे हैं लेकिन पिछले साल के टर्नओवर का 10% देखना है, ₹11 लाख। दैट्स द आंसर। कितने मार्क अंदर, 2 मार्क का, ये 2 मार्क अंदर, ₹11 लाख। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर ट्रांजेक्शन विथ मिस्टर सुनील कुमार। तो देखो जरा किधर गए अपन, सुनील कुमार के साथ ये वाली ट्रांजेक्शन थी। ड्यूरिंग द मंथ ही हैज रिसीव्ड वन टैक्सेबल सर्विस कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर सुनील कुमार इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट बट फेल टू इश्यू एनी डॉक्यूमेंट टू मिस्टर सुनील कुमार। इन्होंने रिवर्स चार्ज वाली सर्विस लिया था। अच्छा, मिस्टर सुनील कुमार खुद भी रजिस्टर्ड है तो उन्होंने अपने को टैक्स इनवॉइस इश्यू करना चाहिए, भले रिवर्स चार्ज में कवर्ड है, बट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज सर्विसेज इज 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ द सप्लायर और डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट में भी दो चीज आती है, डेट व्हेन द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट व्हेन इट इज डेबिटेड। तीन ही चीज देखते हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस नहीं देखते हैं, तो ये डेट नहीं देखेंगे। इनवॉइस रेस्ड बाय सुनील कुमार 9 जुलाई है, वहां से 61 डेज ऐड करेंगे तो सितंबर में डेट चला जाता है, जरूरत नहीं है। और पेमेंट डेट अपनी उसके भी पहले की है, पेमेंट अजय की बुक्स में अपन मतलब अजय 7 अगस्त को रिकॉर्ड किया और डेबिट हुआ 14 अगस्त को, तो विच एवर इज अर्लियर, दिस दिस और दिस, 7 अगस्त। सो इसलिए मैंने आंसर मार्क किया 7 अगस्त, वो स्टूडेंट ने मार्क किया था 8 सितंबर, पता नहीं क्या लॉजिक से लेकिन वो गलत है। समझ रहे क्या? अच्छा, उसने 61 डेज ऐड करके लाया होगा लेकिन ये डेट तो उसके पहले हो गई ना, पेमेंट पहले हो गई, सो द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 7 अगस्त। समझ रहे क्या? देन थर्ड क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट शुड मैंडेटरीली बी इश्यूड टू मिस बाय मिस्टर अजय इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन विद सुनील कुमार। ध्यान दीजिए, सुनील कुमार यहां पर सप्लायर है और जो कि खुद रजिस्टर्ड है, वो हमको सर्विस दे रहा है, हम मिस्टर अजय हैं, हम रजिस्टर्ड रेसिपियंट हैं, ये रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। अगर वो अनरजिस्टर्ड रहता था तो हम टैक्स इनवॉइस इश्यू करते थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड है तो हम लोग सिर्फ उसको पेमेंट करते वक्त पेमेंट वाउचर इश्यू करेंगे, बाकी हमको टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, ना हमको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करने की जरूरत है। देखिए यहां पर मिस्टर अजय कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन उसको बिल ऑफ सप्लाई इनवर्ट सप्लाई के लिए इश्यू करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे क्या? इसको पेमेंट किया उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करना है, पेमेंट वाउचर। डू यू रिमेंबर अबाउट पेमेंट वाउचर, वी हैव स्टडीड कि जब रिवर्स चार्ज में आपने सप्लाई लिया उसका पेमेंट किया तो आपको पेमेंट वाउचर इश्यू करना पड़ता है। सो दिस वॉज द डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। ये तीन ही क्वेश्चन थे केस स्टडी पे, मतलब बनाने के लिए केस स्टडी बनाया है, ऐसा तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट उसमें फर्स्ट पार्ट तो अलग ही है, सेकेंड पार्ट अलग है, इनकम टैक्स की केस स्टडी तो और भी ज्यादा है, 4 अलग अलग पैराग्राफ है और बोले केस स्टडी है और हर एक पैराग्राफ का एक ही क्वेश्चन दिया है, मतलब कि केस इंटीग्रेटेड क्या हुआ वहां पर, सेपरेट सेपरेट ही तो है, मतलब पैराग्राफ 1 के अगेंस्ट में क्वेश्चन 1 लिख सकते थे, इतना इतना क्लियर था, पैराग्राफ 2 के लिए क्वेश्चन 2 लिख सकते थे, वो उसका मैंने वीडियो डाला है वो आप देख लेना, बहुत ईजी थे इनकम टैक्स के भी एमसीक्यू। और बस ये लास्ट वाला एमसीक्यू कौन सा वाला, टूर ऑपरेटर सर्विस। आपको पता है फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस प्रोवाइड किया तो कितना प्रोपोर्शन एग्जेम्प्ट होता है मैक्सिमम, जितना फॉरेन के लिए किया, तो यहां पर 3 दिन चाइना में और 2 दिन इंडिया में, तो देखा जाए तो 3/5 होता है, 72,000 और 50% विच एवर इज लोअर, तो 1,20,000 का 50% दिस मच इज एग्जेम्प्ट। वो बच्चे ने अमेंडमेंट बराबर पढ़ा नहीं था इसे 72,000 टिक किया, तो गलतियां अपन मतलब अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो होती हैं, पढ़ के जाएंगे तो इट इज वेरी हाई स्कोरिंग पेपर। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग
स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर देन 70 मार्क्स इन दिस पेपर, क्योंकि ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कुछ ऐसा बहुत ट्रिकी लगा, अपन इनकम टैक्स भी पूरा सॉल्व करके रखा है, और ना ये वाला पार्ट ट्रिकी है ना। सो दैट्स इट, इनकम टैक्स एमसीक्यूज आप लोग कर लेना, बाकी अपन लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।